हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सुबह के बच्चों को 10:30 एक्चुअली मैं कल ही नए घर में शिफ्ट हुआ। पहला दिन था कल का, बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्सिंग था। दो महीने की जो थकान थी वो पूरी निकल चुकी है। और मैंने सोचा था कि जैसे मैं इस घर में शिफ्ट होऊंगा उसके दूसरे तीसरे दिन बाद मैं जाऊंगा राइड के लिए, जो कि अच्छे से प्लान हो गया। तो आज हम लोग का प्लान है अलीबाग जाने का। तो मैं, सौरभ, नीलेश एंड कृष्णा, वी आर जस्ट 4 पीपल, 2 बाइक पे जाएंगे। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और घर का टूर भी आपको देना बाकी है, जो कि मैं अलीबाग के आने के बाद ही दूंगा। हाय कबीर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी मुझे पहले जाना है गैरेज में। मैंने एक हैंडल बार ऐसे देखा था अमेजोन पे, जो कि मुझे मिल गया, यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक था। 2 महीने के वेट के बाद वो आ गया, डिलीवर हो चुका है। और अभी मुझे वो लेके जाना है गैरेज में, उसको इंस्टॉल करने के बाद हम लोग जाएंगे अलीबाग। तो अब देख सकते कितना बड़ा पार्किंग है और यहाँ पे बाइक पार्क किया, सब कुछ सामान ले लिया, अभी फटाक से निकलते भी। तो अपने को भी पहले जाना है क्या, हैंडल बार राइजर इंस्टॉल करने के लिए। तो अब देख सकते हो पहले हैंडल कितना नीचे है। तो मैंने ये ऑर्डर किया अमेजोन से, जो कि सस्ता भी है और अच्छा भी है, हैंडल राइजर जो कि इंस्टॉल करने के बाद पूरा स्टॉक ही लगेगा। तो अभी अपन इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं वापस कितना डिफरेंस आता है। तो हैंडल निकालने के बाद अपने को ये भी निकालना पड़ेगा, फिर इसके नीचे ये ऐसा लगेगा और इसके ऊपर ये लगेगा। तो फाइनली अपना हैंडल बार राइजर इंस्टॉल करके हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हैंडल का थोड़ा सा हाइट बढ़ गया है, अभी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच करने के लिए। और अपना हार्ली भी चालू करने का, बहुत दिन से बंद हुआ है, कभी करेंगे, आज कल, आज तो नहीं, कल चलेगा। चलो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। गाड़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी एक्चुअली, सोच रहा हूँ थोड़ा वॉश भी कर लूँ, बिकॉज जाने से पहले एक 4-5 दिन के पहले मैंने बाइक धोया था, उसके बाद धोया नहीं है। फाइनली बहुत स्ट्रगल करने के बाद हम लोग ने टैंक बैग इंस्टॉल कर लिया। आज 2 चीज़ मैंने इंस्टॉल कर ली, एक तो ये हैंडल बार राइजर बहुत अच्छा दिख रहा है, और ये चीज़ है काफ़ी यूज़फुल है। गाड़ी थोड़ा अभी भरा भरा लग रहा है। और यहाँ पे पीछे मैंने बैग माउंट किया है, अभी टॉप बॉक्स लेना बाकी है। yes. तू मिसिंग है भाई, तेरे को नहीं लेके जा रहे हम लोग, तू आना नहीं हम लोग के साथ, देखते। गाड़ी पर बैठते, ग्लव्स भूल गए, अमोद मुझे हेल्प कर रहा है। कौन से ग्लव्स है भाई, जो भी रहेगा दे दे, लोग कमेंट करते ब्लॉग पे। हाँ चल जाएगा आज के लिए, चलेगा। एक्चुअली घर के शिफ्टिंग के टाइम पे ग्लव्स कहीं पे रख दिया, मुझे मिल नहीं रहे। तो निकलते निकलते इतना लेट हो गया, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और खाना तो कुछ खाया नहीं है। हम लोग ने प्लान किया था अगर हम लोग 11:30 के आसपास निकलेंगे तो 1-1.5 बजे कहीं पे रुक के खा लेते थे, बट अभी हम लोग निकलते निकलते सब लोग लेट आए। तो निकलते निकलते ही कुछ 2:30 बज चुके हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए इसे एक्सप्रेस हाईवे पे और हम लोग ऐरोली होकर जाने वाले हैं अलीबाग के लिए। बहुत ज़्यादा धूप है, टाइमिंग निकलने का बहुत गलत हो चुका है, जल्दी निकलना चाहिए था। मैंने जैकेट का जिप भी नहीं लगा, ऐसी रखा हुआ है। मैंने आज हैंडल बार राइजर लगाया, उससे थोड़ा गाड़ी का हैंडल आगे से ऊपर आया हुआ है। पहले हैंडल थोड़ा नीचे था, अभी थोड़ा ऊपर आ गया, तो थोड़ा कम्फर्टेबल लग रहा है, थोड़ा कम्फर्ट और बढ़ गया। एक्चुअली मुझे यही हैंडल बार राइजर चाहिए था, जो कि पूरा स्टॉक लगता है, इतना छोटा सा है और दिखने के भी काफ़ी अच्छा है। ऐसे कोई बोलेगा नहीं कि ये आफ्टर मार्केट है, बिकॉज बॉडी का कलर भी सेम सिल्वर ही है। इसके लिए मैं वेट कर रहा था, इसके मैंने हैंडल राइजर ऑर्डर कहीं नहीं किया था, बिकॉज ये आउट ऑफ स्टॉक था। अमेजोन से मुझे मिला कुछ 1200 रुपीज़ के आसपास। तो बहुत दिन के बाद राइड पे जा रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, एक तो खुला खुला रोड है। चलो अंकल, तो इसी प्रकार खाना खा के हो चुका है और अभी हम लोग निकल रहे वापस राइड पे। अरे ग्लव्स थोड़े से बड़े हैं मेरे फिंगर्स के हिसाब से। थाने वेलापुर हाईवे पे सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहाँ पे हमेशा ट्रैफिक होता है, ये जगह पे, बिकॉज यहाँ पे रोड भी थोड़ा नैरो है। ये शायद कौन सा स्टेशन है पता नहीं, बट ये स्टेशन यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है हमेशा। आज के जितना ट्रैफिक मैंने इतने टाइम में कभी नहीं देखा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। पता नहीं लोग कहाँ पे जा रहे, छुट्टी तो है नहीं, कल हॉलीडे है, बट इतना ट्रैफिक नहीं रहता है, हाँ नॉर्मली भी, बट आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। एरो से लेके नेरुल तक पूरा जाम है, पूरा जाम।
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस रोड पे, तो हम लोग JNPT का रूट ले रहे हैं अभी। बेलापुर के ब्रिज के नीचे से राइट लेंगे। हाय, तो हम लोग का प्लान था कि अगर जल्दी पहुँचेंगे तो हम लोग बीच पे भी जा सकते हैं, बट अभी लगता नहीं जा पाएंगे, बिकॉज यही पे हम लोग को कुछ 4 बज चुके हैं और हम लोग अभी भी बेलापुर। तो अभी हम लोग JNPT रोड पे, ये रोड सबसे बेस्ट है बाइक राइड करने के लिए, बहुत ज़्यादा मज़ा इसी रोड पे आता है। हाँ यस, तुम लोग हो, आ रहे, डोंट वरी। हेलमेट किधर है? इसका पीछा लगा, मास्क पहन के बैठा, हेलमेट किधर है? राइड करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है तो इसी रोड पे आता है, इसके लिए मुझे रोड ज़्यादा पसंद है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और यहाँ से अपने को ब्रिज के नीचे से लेना है राइट अलीबाग के लिए। गूगल मैप ने ऐसे जगह पे लेके आए कि है पता भी नहीं ऐसा रोड भी होता है, इतना खराब रोड। ये साइड से ए लेफ्ट लेना कि राइट लेना है? शिट यार, इतना खराब रोड, बाप रे, ये देख सकते हो आप कितना खराब रोड है यार, गिरेगा तो फिर बाइक के तो लग जाएंगे। गूगल मैप पे कभी भरोसा नहीं रखना, अगर गूगल मैप लगा तो 2-3 बार चेक करना ज़रूरी। हम लोग 20-25 मिनट से ऐसे ही घूम रहे, देखो जितना टाइम अलीबाग जाने के लिए लग रहा है ना, उतने टाइम में पुणे के आगे निकल जाता। इतना ट्रैफिक है आज, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आज। बोला था शाम के 4:45 बज चुके हैं और धीरे धीरे सनसेट होना शुरू हो चुका है, 5:30-6 बजे पूरा सनसेट हो जाएगा। अच्छा लग रहा है गाँव के रोड में भी बाइक राइड करने में मज़ा अलग ही है। छोटे छोटे रोड होते हैं पूरे डांबर के और ट्रैफिक कम होता है तो और ज़्यादा मज़ा। चाय का ब्रेक, टी ब्रेक लेते एक। यार तुझे मानना पड़ेगा, जहाँ पे देखो टूरिंग बाइक का क्रेज अभी बहुत चल रहा है, एक्सपल्स, KTM और BMW, हर जगह वही बाइक दिख रही है। BMW फिर भी कम दिख रही है, KTM और एक्सपल्स बहुत ज़्यादा दिखती है। ये लोगों में अभी एडवेंचर का वो जो है ट्रेंड आने लगा है। मुंबई में पब्लिक ज़्यादातर अभी एडवेंचर बाइक ही लेते हैं, टूरिंग बाइक, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ टूरिंग बाइक एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा मैंने आज जगह, पता नहीं लेकिन बहुत अच्छी बाइक है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इससे भी ज़्यादा अंडर पावर, इसके लिए वो बाइक का ऑप्शन अपने पास नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग 2-3 बार रुके थे, तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे हम लोग चाय पीते फिर आगे निकलेंगे। तो अभी भी हम लोग ने जस्ट चाय पिया, ब्रेड बटर खाया, तो थोड़ा एनर्जी आया और थोड़ा बेटर फील हो रहा है। यहाँ से और कुछ 40 किलोमीटर अलीबाग हम लोग जा रहे हैं नागांव बीच के लिए, जो कि यहाँ से एग्जैक्ट 40 किलोमीटर के आसपास है। जो पता था हम लोग 7:30 के पहले पहुँचने नहीं वाले, अभी वहाँ पे जाने के बाद सीधा चाय पियेंगे मस्त कड़क, फ्रेश होने के बाद चाय पियेंगे कड़क, उसके बाद थोड़े टाइम बाद खाना खाएंगे और सो जाएंगे, कल सुबह बीच का प्लान करेंगे। टाइम बाइक बहुत ज़्यादा यूजफुल है एक्चुअली, मोबाइल होल्डर जो है थोड़ा सा ख़राब बोल सकते हैं, बिकॉज ये इतना काफ़ी अच्छा नहीं, बहुत लूज़ है, तो टाइम बाइक का पूरा यूज़ हो रहा है, बस कैमरा लगाने के बाद देख नहीं सकते, थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अपन मोबाइल माउंट चेंज करेंगे बाद में। पुड़े लाओ आदमी क्या पुड़े दियो क्या बोलता है किशोर मध्य 3-4 वर्षा नंतर आने वाले। सो फाइनली हम लोग रूम पे पहुंच गए, बहुत सामान है भाई, पकड़
तीन के आसपास हम लोग, ढाई तीन के आसपास हम लोग निकले। अभी पूछे शाम के बज चुके हैं 7:45 और इतना थक चुका कि अभी फटाफट फ्रेश होता हूँ और पहले चाय पी लेता हूँ। दो जन कृष्णा और निलेश अभी तक पहुँचे नहीं है, रास्ता भूल गए पता नहीं कहाँ पे। फ्रेश होके आपको मिलता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। दो महीने के काम के बाद एक अच्छे से छुट्टी की बहुत जरूरत थी कि एक दिन ऐसा रिलैक्स करने का था, तो ऑल ऑफ सडन प्लान हो गया तो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे आने का, थोड़ा सा नेचर के साथ। दोपहर में 2:30 बजे निकले थे और यहाँ पे पहुँचते पहुँचे 7:45 बज चुके, 4.5 घंटे लगे यहाँ पे आने तक। बहुत आज बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक था और थक के हम लोग आए थे, थोड़ा फ्रेश हो चुके हैं। अभी चाय पीते हैं, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, सो जाएंगे और कल सुबह हम लोग जाएंगे बीच पे, बिकॉज हम लोग को जाना था आज जल्दी लेकिन लेट आए तो जा नहीं सके, तो कल हम लोग बीच पे जाएंगे।